हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो साथियों, हम देख रहे थे उत्तराखंड में जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से हम एमसीक्यूज को कर रहे थे। तो हमने अभी तक का 65 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, चलिए आज के एमसीक्यूज को देखते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट एरिया ऑन एन इन्फेंट आर सूटेबल फॉर स्किन पंक्चर। तो आपको इसमें से बताना है जो इन्फेंट होते हैं, शिशु होते हैं, उनका कौन सा भाग होता है, स्किन का कौन सा भाग है जिस पर जिससे हम सैंपल ले सकते हैं। तो आपको बताना है, इसमें आपके ऑप्शन है ए है एनी कलेक्टेड एरिया ऑफ द फूट, बी ऑप्शन है द सेकंड और थर्ड फिंगर ऑन देयर हैंड, सी ऑप्शन है द पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द हील, और डी ऑप्शन आपका द लेटरल फ्लैट पोर्शन ऑफ द हील। तो जो बच्चों में हम सैंपल लेते हैं उसके लिए जो सूटेबल माना जाता है दोस्तों, स्किन पंक्चर जब हम करते हैं तो वो माना जाता है जो आपका डी ऑप्शन है द लेटरल फ्लैट पोर्शन ऑफ द हील। जो आपका लेटरल फ्लैट पोर्शन होता है आपके हील में, वहाँ से हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड कल्चर कलेक्शन। ठीक है, आपको इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है कि जो ब्लड कलेक्शन में हम नहीं करते हैं या नहीं आता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है द साइट इज क्लीन विथ बीटाडीन एंड अल्कोहल, बी ऑप्शन है एन आर्टेल सैंपल इज कलेक्टेड। ठीक है, और उसके बाद जो सी ऑप्शन है आपका एन एरोबिक स्पेसिमेन इज रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन है आपका ब्लड कल्चर ट्यूब आर ऑलवेज ड्रॉ फर्स्ट। ठीक है, तो जो आपका राइट जो इसमें आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है आपका एन आरटीएल सैंपल इज कलेक्टेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका वो आपका इसमें क्या कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है ब्लड कल्चर के लिए। ठीक है, तो हम आरटीएल ब्लड नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, हम वेनस ब्लड ही हम ब्लड कल्चर जब करते हैं तो वेनस ब्लड ही हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके तीन ऑप्शन है ए ऑप्शन द साइट इज क्लियर विथ बीटाडीन एंड अल्कोहल, ये भी हम करते हैं जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद सी ऑप्शन है आपका इसमें एन एरोबिक स्पेसिमेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें एरोबिक स्पेसिमेन की रिक्वायर्ड होती है, और डी ऑप्शन है आपका ब्लड कल्चर ट्यूब आर ऑलवेज फर्स्ट रो। जो ब्लड कल्चर ट्यूब हम जब ब्लड सैंपल लेते हैं हम सबसे पहले जो अगर आपने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पढ़ा है तो सबसे पहले हम ब्लड जो डालते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड डलता है तो वो है ब्लड कल्चर में हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द वैक्यूटेनर ट्यूब विच इज़ यूज टू कलेक्ट एंड सेपरेट सीरम इज द। ठीक है, आपको इसमें से ये बताना है जो हम वैक्यूटेनर ट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी ट्यूब होती है जो क्या कहते हैं जिसमें हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं और वो क्या करता है जो सीरम होता है उसको सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है रेड टॉप, बी ऑप्शन है आपका ग्रीन, सी ऑप्शन आपका लेवेंडर, और डी ऑप्शन आपका एसएसटी। ठीक है दोस्तों, एसएसटी मीन्स सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। तो जो आपका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है जिसमें हमारा जो होता है सीरम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है इफ़ ए लेवेंडर टॉप प्लेन रेड टॉप ग्रे टॉप एंड लाइट ब्लू टॉप ट्यूब आर कलेक्टेड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। आपको अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ इसमें बताना है कि हम सबसे पहले सैंपल किस में लेते हैं फिर किसमें लेते हैं, ये सारा आपको बताना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे। तो मैंने आपको बताया कि बेसिक से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए और ज़्यादातर सभी को पता होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन है आपका दे कैन बी कलेक्टेड इन एनी ऑर्डर। वो कह रहा है कि कुछ आंसर जो ऑप्शन है आपका है वो
पहला ऑप्शन है आपका कि हम किसी में भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका ब्लू प्लेन, रेड टॉप, ग्रे लेवेंडर, ठीक है। आपका बी सी ऑप्शन है ग्रे टॉप, ब्लू लेवेंडर, प्लेन रेड टॉप। और जो आपका डी ऑप्शन है लाइट ब्लू, प्लेन रेड टॉप, लेवेंडर ग्रे, ठीक है। तो आपको मैं ऑर्डर ऑर्डर बताऊं तो सबसे पहले जो हम सैंपल लेते हैं वो जाता है सबसे पहले हमारा, मैंने अभी बताया था कि पहले वाला क्वेश्चन जो था जो जिसमें मैंने बताया था आपको कल्चर, ब्लड कल्चर के लिए जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े थे उसमें से एक ऑप्शन लास्ट में आपने देखा था डी ऑप्शन, जिसमें लिखा था फर्स्ट कलेक्ट जो हमारा ब्लड कल्चर है, सॉरी जो सैंपल है वो हम किसमें कलेक्ट करते हैं, ब्लड कल्चर की वायल में सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका जो लाइट ब्लू जिसे हम PTINR के लिए कोगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, PTINR के लिए हम इस्तेमाल PTINR, ABTT और डी डायमर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट है लाइट ब्लू जिसे सोडियम साइट्रेट बोलते हैं, उसमें कलेक्ट करते हैं सेकंड। और थर्ड आपका दोस्तों प्लेन में करते हैं, प्लेन जो प्लेन या फिर SST ट्यूब में हम करते हैं, ठीक है। जो रेड प्लेन ट्यूब रेड कलर की रेड कलर की होती है, ठीक है, जो उसका टॉप होता है वो रेड कलर का होता है। और SST ट्यूब जो गोल्डन कलर की आती है, येलो कलर की जो आती है उसमें हम कर सकते हैं करते हैं। फिर आता है आपका लेवेंडर ट्यूब, ठीक है, जो कि हमारी DTA ट्यूब होती है। और फिर आता है ग्रे, जिसे हम ग्रे ट्यूब कौन सी होती है, वो होती है आपकी सोडियम फ्लोराइड वाली जो वाइल होती है उस पर हम जिसमें हम ब्लड शुगर करते हैं, लास्ट में हम क्या कहते हैं ब्लड शुगर वाली में डालते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाली में, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लड कल्चर तो नहीं है तो उसके बाद कौन सा आता है लाइट ब्लू जो जिसमें हम PTINR करते हैं, फिर प्लेन में डालेंगे, फिर लेवेंडर वाली ट्यूब में डालेंगे, फिर ग्रे वाले में। जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन आप देख लीजिए राइट आंसर है आपका, सबसे पहले लाइट ब्लू, फिर प्लेन रेड टॉप, फिर लेवेंडर, फिर ग्रे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द टोर्निकेट इफ़ लेफ्ट लॉन्गर देन 1 मिनट ऑन पेशेंट आर्म, ठीक है। अगर हम टोर्निकेट को पेशेंट के आर्म में 1 मिनट से ज़्यादा देर के लिए हम उसको छोड़ देते हैं लगा हाथ पे टोर्निकेट बांध के, तो इसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है नॉट इफेक्ट टेस्ट रिजल्ट, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका एल्बुमिन कोलेस्ट्रॉल एंड RBC आर फॉल्सली इंक्रीज, एल्बुमिन कोलेस्ट्रॉल एंड RBC आर फॉल्स डिक्रीज। डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट के हाथ में टोर्निकेट को ज़्यादा देर के लिए हम लॉन्गर टाइम के लिए अगर हम 1 मिनट से ज़्यादा अगर बांध के रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्बुमिन है और कोलेस्ट्रॉल है और RBC है उनका जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, फास से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ ए पेशेंट फेंट ड्यूरिंग ए वेन पंक्चर यू शूड, ये बोला अगर कोई पेशेंट वेन पंक्चर के दौरान बेहोश हो जाता है, ठीक है, जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उस टाइम अगर वो बेहोश हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है रिमूव द नीडल एंड अटेंड टू द पेशेंट, ठीक है। आपको नीडल को अपने जो नीडल को बाहर निकालना है और पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट को देखना है। बी ऑप्शन है ये लोडली एट द पेशेंट टू कीप हिम हर कॉन्शियस, ठीक है। जो आपका जो पेशेंट है उसको आपने बात करनी है, जो उसको होश में लाना है, ठीक है, उससे उसके चेहरे पर आप थपथपा सकते हैं, उसको हिला के आपको होश में लाना है ना। उसके बाद सी ऑप्शन है आपका कंटिन्यू द प्रोसीजर अनटिल द ब्लड इज़ कलेक्टेड, कि बोल रहा है कि आपको प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, अपना कंटिन्यू रखना है ब्लड कलेक्शन के ब्लड कलेक्ट करना है आपको, ठीक है, कंटिन्यू आपके प्रोसीजर को रखना है, ठीक है। डी ऑप्शन है स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इमिडिएटली, तो आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आपको इमिडिएटली उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, ये आपका डी ऑप्शन है। तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, अगर किसी कोई पेशेंट आपका सैंपल लेते वक्त तो बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले आपको नीडल को निकालना है, ठीक है, जो आपने सैंपल लेने के लिए नीडल वेन पंक्चर किया है
रिडल को आपको निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को देखना है, ठीक है, पेशेंट को आपको देखना है, ठीक है। तो जो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वेन इज वेन्स इज यूज टू कलेक्टेड ए वेनस ब्लड सैंपल। आपको इसमें से बताना है कि हम जो वेनस सैंपल लेते हैं वो हमें कौन कौन से वेन से हमें हम लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका वेसियालिक वेन, बी ऑप्शन आपका सिफियालिक वेन, सी ऑप्शन है मिड क्यूबाइटल वेन, और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो साथियों अगर आपने ब्लड कलेक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये सारी तीनों वेन हमारे क्यूबाइटल फोसा में पाई जाती हैं, तो हम इन तीनों में से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्लूकोज रिजल्ट आर करेक्टली रिपोर्टेड इन, जो ग्लूकोज का जो रिजल्ट होता है हम करेक्टली रिपोर्टेड किस में कर सकते हैं, वो आपको इसकी यूनिट बतानी है। ए ऑप्शन आपका ग्राम पर मिलीमोल, बी ऑप्शन आपका मिलीमोल पर लीटर, सी ऑप्शन आपका ग्राम पर लीटर, डी ऑप्शन आपका ग्राम पर एमएल, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, जो ग्लूकोज का करेक्टली रिपोर्टेड करते हैं हम, वो मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है आपका मिलीमोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सीलिंग टेस्ट इज यूज फॉर असेसमेंट ऑफ, जो सीलिंग टेस्ट हम करते हैं वो हम किसके असेसमेंट के लिए करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, बी ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, सी ऑप्शन है परनिशियस एनीमिया, और डी ऑप्शन आपका ए एंड सी बोथ। तो जब हम सीलिंग टेस्ट करते हैं तो उसमें हम जो विटामिन B12 है उसके लिए करते हैं, और जो आपका सी ऑप्शन है परनिशियस एनीमिया, तो हम इन दोनों के लिए हम सीलिंग टेस्ट करते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, ए एंड सी बोथ। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट इज़ नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो आपका हिस्टोलॉजी में जो इक्विपमेंट होता है ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें हमें टेम्परेचर जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहता, ये आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वैक्स ए, और बी ऑप्शन है टिश्यू प्रोसेसर, सी ऑप्शन आपका माइक्रोटोम, और डी ऑप्शन आपका वाटर बाथ। आपका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है माइक्रोटोम, में हम माइक्रोटोम में हम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो साथियों अभी तक का ये हमने आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए अपने, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे जो प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद साथियों।